एवरीवन, दिस संदीप सोनगढ़े, संदीप सर क्लासेस भोपाल। ठीक है, आप लोगों को आज समांतर श्रेणी के फर्स्ट लेक्चर है, एसएससी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है समांतर श्रेणी। ये लास्ट एसएससी में 3 सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मैं आपको इसको सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, इसको हम डिटेल में तो बाद में समझेंगे, बस इसकी ट्रिक समझना है आपको। बस याद रखना है क्या, 50-50, क्या क्या रखना है, 50-50, सीरीज कुछ भी आ जाए, क्या याद रखना है, 50-50, 50-50 क्या है, 50-50 एक से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग होता है। कितना होता है, एक से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग क्या होता है, 50-50, ये तो याद रह जाएगा, 50-50 याद रह जाएगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं कि भाई कितने जल्दी हमें करना है, उस हिसाब से डिटेल में भी तो हम करेंगे ही करेंगे। सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से, आपका आंसर। सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 से, आपका आंसर। सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, 3 से, ये आपका आंसर। चीजें क्लियर है, तो आपको 50-50 याद रखना, सीरीज जहां से स्टार्ट होगी वो आपका आंसर होगा। आप ये बताइए, 3 सेकंड के अंदर आपको क्लिक करना है, आपका आंसर हो गया। आपके ऐसे 30-30 सेकंड का टाइम लेते हो तो आपको 90 सेकंड आपके बच गए, जो आपको दूसरे के क्वेश्चन में काम आएंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये देखो, ये तो हो गया ट्रिक, हम इसको डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चन माइंड बन जाता है भाई सही है क्या गलत, तो कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में, हम लोग डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। डेली 12 बजे क्लासेस लगेगी, तो आप इसको डिटेल में पढ़ें पहले तो। ठीक है, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जा चुके हैं और ये हर जगह काम आएगा आपको, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम आप देना चाहे तो इसमें काम आएगा। तो पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमारी कोचिंग भोपाल के अंदर है। ठीक है, किसी को भी अगर कॉन्टेक्ट करना है तो आप संदीप सोनगढ़े सर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इसमें अपना टेक्स्ट छोड़ सकते हैं। इस पे अपना टैक्स नाम और जिस सिटी से है, जिस चीज की प्रिपरेशन करने है, मैसेज कर सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं। ठीक है, चलो, समांतर श्रेणी एक ऐसी सीरीज, समांतर श्रेणी, श्रेणी मतलब सीरीज, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज जिसके हर पदों के बीच में अंतर क्या हो, समान, समान अंतर, अंतर क्या हो, समान, जैसे नाम से ही पता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, समझा रहा हूं एक बार अच्छे से समझ लो यार, अगस्त में आपका पेपर है, अच्छे से समझ लोगे तो आप एक चीज याद रखना कि लास्ट डे में एग्जाम के एक दिन पहले आपके 50% टॉपिक आप एक दिन में मात्र रिवाइज कर सकते हो, इतने अच्छे से क्लासेस समझाऊंगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, ऐसा लगना चाहिए मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको फीडबैक बहुत अच्छे से देना है। ठीक है ना, देखो एक ऐसी सीरीज होती है जिनके हर पदों के बीच में अंतर क्या हो, समान, समान अंतर, नाम से पता है। जैसे कोई सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इंफिनिटी। ठीक, ये दो पद है, इनके बीच का अंतर कितना है, 1 का, इनके बीच के अंतर कितना है, 1 का, इनके बीच के अंतर कितने का है, 1 का। मतलब भाई सब में अंतर क्या है, समान, समांतर। जरूरी है सीरीज 1 से स्टार्ट हो, सीरीज कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है ना, अगर, और जरूरी नहीं एक का अंतर हो। सीरीज स्टार्ट हुई 1 से, 3, 5, 7, 9 इंफिनिटी, कितने का अंतर है, 2 का, कितने का अंतर है, 2 का। ये बहुत डिटेल, बहुत आराम समझा रहा हूं, ठीक है ना, 2 का, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 50 का हो, सीरीज 1 से स्टार्ट हो या 100 से स्टार्ट हो। ठीक, अंतर बस उन सारे पदों के बीच में अंतर क्या होना चाहिए, समान। ये चीज क्लियर है, जैसे सीरीज स्टार्ट हो रही 2, 4, 6, 8, 10 इन्फिनिटी, अंतर कितने का है, 2 से। बस आपको अंतर मतलब किससे है, अंतर से। ये चीज आपको समझाने के तौर पर है, जितना आप इसको डिटेल में कोई भी टॉपिक एक चीज याद रखना, लॉन्ग टर्म अगर आपको याद रखना है, लॉन्ग टर्म आपको याद रखना है तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ट्रिक तो बाद में लगाएंगे, 2-3 दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा मैं और आप आराम से आपका अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना, और ट्रिक मेथड पे चलो अब समझते हैं यार। दो फॉर्मूले यहाँ पर होते हैं, बाकी इससे आप कई फॉर्मूले बना सकते हो। दो फॉर्मूले आपके पास होते हैं सम का, फॉर्मूले बहुत हैं लेकिन आपको बनाने इसी से हैं। एक सम होता है भाई, कोई सीरीज दी हुई है उसमें सम का मतलब क्या होता है, उस सीरीज में जितने पद उनका योग, योग का फॉर्मूला ये है ना, सम का क्या होता है, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला। अब आप तो फिर एक लाइन, मैं नहीं चाहता
कि आप लोग ऐसा हो कि एक दो नंबर से रुके हो, जो एक दो नंबर से रुक रहे हैं, कोई क्वेरी है, जिन्हें डर है हम एग्जाम निकाल पाएंगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हर प्रकार की चीज़ें, इस नंबर पे कॉल करके आप पर्टिकुलर सजेशन ले सकते हैं। कम्युनिकेट करना हमारा काम है, समझो बात को। 30+ टॉपिक है मैथ्स के, इट इज़ प्रैक्टिकल पॉसिबल कि आप पूरे टॉपिक को एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सकते हो? इज इट प्रैक्टिकल पॉसिबल? है नहीं, है ना। आपने क्या करना है, हर टॉपिक के कुछ फॉर्मूले होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, उसको उसी टाइम पर ही करना है, बाद में छोड़ना नहीं है, बाद के लिए। ये फॉर्मूला है तो इसको यहीं याद कर लो, ठीक है ना। हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम उसको उसी टाइम पे कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? n बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। रिपीट करो, वर्बलाइज करो, n बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक। तो इसमें अब समझना है यार, ये n क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक सीरीज है मेरे पास, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी, मान रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। तो इसमें एन क्या है, मान लो ये सीरीज कहां तक जा रही है, 20 तक जा रही है, 50 तक जा रही है। तो एन होता है यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा, अगर अच्छा लगेगा तो करना यार, ठीक। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर। मतलब कुल पद, कुल पद उस सीरीज में कितने पद है भाई। अगर सीरीज अनंत तक नहीं जा रही है, और आपको मैंने बोला सीरीज कहां तक जा रही है, 20 तक, ठीक है ना। तो एक से स्टार्ट हो रही है, 20 तक जा रही है, तो कितने पद है? 20 पद है। तो n की वैल्यू क्या हो गई सीरीज के अकॉर्डिंग? 20 हो गई, क्लियर। चलो दूसरा, a क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म पहला पद उस सीरीज का, क्या है फर्स्ट टर्म पहला पद, पहला पद, क्लियर। पहला पद क्या है इस सीरीज का, इस सीरीज के लिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्लियर। यहां पर क्या बचा, ये एन हो या ये एन हो, दोनों क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू, ठीक है। डी क्या है यहां पे, डी बचा है, देखो डी इक्वल्स टू डिफरेंस किसके बीच का, दो पदों का, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, ठीक है, क्लियर। दो पदों का, दो पदों के बीच का अंतर, जैसे दो पद है, ये दो पद है, ये दो पद है, ये दो पद, इनके बीच का अंतर देखो कितने का है, एक का। इनके बीच के अंतर कितने का, एक का। तो इस सीरीज के लिए d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो डिफरेंस क्या है, अंतर है दो पदों के बीच का अंतर, लिख लेना हिंदी हो या इंग्लिश में, आप अच्छे से एक बार नोट्स बनाए, ठीक है ना, आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है। चलो करें सॉल्व। तो ये हो गया सम का फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला आ जाएगा उसके लिए एन की वैल्यू टोटल टर्म्स होगी, डी फॉर डिफरेंस होगा, ए इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म। एक और फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का, ये एक फॉर्मूला हो गया सम का, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, मतलब अंतिम पद, अंतिम पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां भी ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म, एन टोटल टर्म, डी फॉर डिफरेंस, क्लियर। चलो बहुत आराम से हम क्वेश्चनों को समझते हैं और करते हैं। अब मैं आपको यह भी बताऊं क्वेश्चन किस तरीके से, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन है आपके पास 1, 2, 3, 4 डैश 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 20 दे दिया या इन्फिनिटी दे दिया, चलो इन्फिनिटी, कहां तक, अनंत तक, नहीं पता कहां तक, पूछ बता रहा हूं क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसा देगा तो ये लिख देगा फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 पदों का योग निकालो, है ना, 20 पदों का योग, 20 पदों का योग निकालो, पहला क्वेश्चन, ठीक। यही क्वेश्चन वो कैसे दे देगा, यहां बीच में कॉमा लगाया लेकिन पूछ रहा है योग, योग मतलब आपको अपने तरफ से प्लस जोड़ना है, ठीक। यही क्वेश्चन को किस तरीके से दे सकता है, 1+2+3 20, कुछ नहीं लिखा है, यही क्वेश्चन क्या है, ऐसा दे दिया, कुछ नहीं लिखा है आपको आगे, बस। तो ये बात समझ में आ रही है भाई, सीरीज कहां तक जा रही है, प्लस 20 तक, तो आपको एक से लेकर 20 तक क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, ठीक। इसी को औसत में भी दे सकता है, आपको पढ़ना है लेकिन थोड़ा लॉजिक नहीं पढ़ना है ना, रटना नहीं है, ठीक। ये हो गया, और किस तरीके से दे सकता है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, इस तरीके से दे सकता है, इस तरीके से दे सकता है, क्योंकि वे अलग पूछ लेता तो वहीं फंस जाते हैं। प्रथम
20 प्राकृत संख्याओं का योग निकालो, योग निकालो। देखो मेरा काम है अवेयर कराना, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकालो। प्राकृत मतलब जो संख्या एक से स्टार्ट होती है और सबके बीच में कितने का अंतर होता है, एक का, ठीक है ना। उसको भी मैं समझा दूंगा यार, डिटेल में पढ़ लेंगे, ये नंबर सिस्टम के अंदर आ जाता है। प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग इसको क्या लिख सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहूंगा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं पहला क्वेश्चन इतना समझा रहा हूं कि इतने तरीके से आते हैं, आगे चलकर नहीं होगा। जिन्हें जो लोग को बहुत अच्छी नॉलेज है, थोड़ा सा आगे बढ़ाकर वीडियो देख सकते हैं, कि स्टूडेंट हर प्रकार के आते हैं, ठीक है ना। मैं नहीं चाहूंगा आप लोग नेगेटिव फीडबैक दें, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव देने लायक नहीं है, ठीक। चलो ये हो गया, इतने तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको कम वो नहीं होना है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है, ठीक। सबके लिए सॉल्यूशन एक ही होगा, ठीक है। इसे आप नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं, जो लोग नोट्स बनाते हैं वो कमेंट्स में क्या करें, अपलोड करें, क्लियर। हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला हमने देखा n बाय टू टू ए, बार बार बोलना है और लिखना है, प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, क्लियर। तो n क्या बताया था मैंने, टोटल टर्म्स। अब भाई ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, हमें मतलब किसने से, 20 पदों से मतलब है, किसने से, तो हमारे लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। हमने क्या ले लिया भाई, 20 हो गई, 20 बटे दो। जिन्हें एक बार में दिक्कत जाती है, दूसरी बार वीडियो देखें, तीसरी बार वीडियो देखें, ठीक है ना, बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक। टू एज इट इज फॉर्मूले में दिया, ए की वैल्यू मतलब, ए मतलब पहला पद, पहला पद क्या है इस सीरीज का, एक, तो ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 20, 20 माइनस 1 फॉर्मूले में, और डी क्या है, डिफरेंस, दो पदों के बीच का अंतर कितने का है, एक का। इसको काटेंगे कितने बार, 10 बार। ये कितना हो गया 2 प्लस, ये कितना हो गया 19, 19 में मल्टीप्लाई करोगे 1 का तो कितना बचेगा, 19 ही बचेगा भाई साहब। ये हो गया, चलो नीचे ही बता दे रहा हूं, ये 10 है और ये कितना हो गया 19 और 2 21, तो सम कितना होता है 210। ये आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। देखो यार, एग्जाम निकालने के लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, ठीक है। अब आप समझो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो भाई सॉल्व मत करना, बेवकूफी होगी सॉल्व करने वाली। अभी डिटेल में पढ़ रहे हो, कोई समस्या नहीं है, सॉल्व मत करना। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एक चीज, कुछ चीजें तो याद रख लो, कैसे, एक से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग 210 होता है, 100 तक का योग 50 होता है। इस तरीके से आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। इसका फायदा बताऊंगा मैं आपको, याद करने नहीं भी बोलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सीरीज ब्रेक में आ गई, आप नेक्स्ट लेवल की सोचें, जब सीरीज आगे की पूछी जाएगी तो आपको या तो इसको भी सॉल्व करोगे, फिर उसको आगे डिटेल में करोगे, इसलिए कुछ चीजें याद कर लो। एक से लेकर 20 तक का क्या होता है, 210, या तो सॉल्व करके देख लो, मैंने बता दिया, तो ऐसे क्वेश्चन तुरंत आंसर कर दिया करो, ठीक है ना। यही क्वेश्चन औसत में भी पूछ सकता है, औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। तो योग तो आपको निकाल लिए कि एक से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग और उतनी संख्या से क्या कर दोगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, वो आपका औसत। तो समांतर श्रेणी से ही आपको क्या बनाकर दे देता है, औसत बनाकर दे सकता है। मान लो क्या होता है, एवरेज इसी संख्याओं में क्या हो जाएगा, बोल देगा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का क्या करें, औसत क्या करें, औसत। तो एवरेज, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर कितना होता है, 120 संख्याओं का योग कितना हो गया, 210, और डिवाइड बाय उतने ही नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका औसत। तो कितना हो गया, 10.5। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, कोई समस्या, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपकी चीज हो जाएंगी, कितनी कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है ना, ओके। चलो तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब यही क्वेश्चन अगर चेंज कर दूं, यही क्वेश्चन चेंज कर दूं, तो निकालो यहां पे फाइंड 20th टर्म, 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें, वो योग था, इसमें 20वां पद ज्ञात करना है, सॉल्व करो 20वां पद ज्ञात करो, सॉल्व करो इसे।
फॉर्मूला बता दिया हूं, लास्ट टर्म का, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगेगा इसमें, लगाइए। कर लिए सॉल्व, बीसवा पद निकालना है तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोग को, याद है? लास्ट टर्म, बीसवा पद मतलब लास्ट टर्म कौन सा पूछ रहा है, बीसवा पद पूछ रहा है, तो लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, बीसवा। इस सीरीज के योग से मतलब नहीं, बीसवा पद बोल रहा है, कंफ्यूज मत होना। तो लास्ट टर्म अंतिम पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। पहली क्लास बेसिक ही रहेगी, कोई भी आप मेरी क्लास के कोई भी टॉपिक देख लो, आप प्लेलिस्ट में आपको हर टॉपिक मिल जाएंगे सीरीज वाइज। पहली क्लास बेसिक रहेगी, उसके बाद हम बहुत अच्छे से स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है ना। ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये होता है लास्ट टर्म का। बीसवा पद निकालना है, टी ट्वेंटी निकालना है आपको, बीसवा पद निकालना है, ट्वेंटी टर्म निकालना है, टी फोर टर्म्स। ए क्या है, पहला पद, पहला पद कितना है, क्या है इस सीरीज का, वन प्लस ट्वेंटी माइनस वन, बीसवा पद निकालना है ना, तो एन कितना है, ट्वेंटी, बीस माइनस एक कितना हो गया, उन्नीस इंटू वन, ठीक है ना, डायरेक्ट कर दिया, या तो बीस माइनस वन लिख दो तो क्या हो जाएगा, देखो वन प्लस ये हो गया नाइनटीन। तो इस सीरीज का बीसवा पद भी क्या है, बीस ही है, देख लो एक का अंतर है ना यार, तो बीसवा पद भी क्या होगा, वही होगा, कोई समस्या, क्लियर। चल कैलकुलेशन आप जितने जल्दी कर पाओ, ओके। चलो एक क्वेश्चन है, टू फोर सिक्स एट फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 पदों का योग ज्ञात करो, 20 पदों का योग, पदों का योग, 20 पदों का योग। पहला क्वेश्चन इसी सीरीज में ज्ञात करो, फाइंड 20th टर्म, 20वां पद ज्ञात करो, 20वां पद, दो क्वेश्चन हो गए ना, 20वां पद ज्ञात करो, दो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड इसी सीरीज का। सॉल्व कर लेंगे, करिए। आंसर आ जाए तो कमेंट जरूर करना यार, है ना। आ गया आंसर, चलो योग का फॉर्मूला n बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कुछ लोग बोलेंगे सर सम के लिए भी फॉर्मूला होता है, प्राकृत संख्याओं के लिए भी होता है, तो भाई वो सब चीज हम देखेंगे, टेंशन मत लो। ये तो मैं फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला अपना ये हो गया सम का, मुझे भी पता है कि n n प्लस वन बाय टू होता है प्राकृत संख्याओं का योग, और सम संख्याओं के लिए भी फॉर्मूले होते हैं, विषम संख्याओं के भी योग के फॉर्मूले होते हैं, तो हम सब कर लेंगे। लेकिन पहले बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन कर लो स्टार्टिंग के। कितने योग, कितने पदों की बात कर रहा है, 20 पदों के योग की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू 20, 20 बटे दो, 2 इंटू ए की वैल्यू, पहला पद होता है 2, प्लस n की वैल्यू 20, 20 माइनस 1 19 लिख दूं डायरेक्ट, है ना, 20 में से एक घटा देना 19 लिख देना इसकी वैल्यू। d क्या है, डिफरेंस कितने का है दो पदों के बीच में, 2 का भैया 2 हो गया ना, तो ये हो गया कितना 10, ये हो गया 4 और ये हो गया 38, तो 10 इंटू 42, तो आंसर आपका क्या हो गया 420, क्या हो गया 420 हो गया आपका आंसर, क्लियर है, कोई समस्या है। सम का भी मैं बता दूंगा, विषम का भी बता दूंगा, प्राकृत संख्या का भी बताऊंगा, जितना कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला क्वेश्चन हो गया, चल हम इसको डिटेल में अभी इसको उड़ाएंगे भी ना, टेंशन मत लो, बेसिक क्लास है, ठीक है। 20 पद, 20वां पद निकालना है, ये तो सम हो गया भाई, सम, सम योग, 20वां पद टर्म, 20वां पद, ये याद रखना ना, कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट टर्म, 20वां पद मतलब लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगेगा, लास्ट टर्म वाला मतलब कौन सा पद, 20वां, टी ट्वेंटी बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 2 प्लस कौन से पद की बात कर रहा है, बीसवा की, ठीक है ना, तो 20 माइनस 1 19 लिख दूं डायरेक्ट, चलो नहीं लिखता,
20 माइनस 1 लिख देता हूं, ठीक है ना। अंतर कितने का D4? 2 का, कोई दिक्कत, 2 प्लस 19 इंटू 2 कितना हो गया भाई, 30, कितना हो गया, 2 का ही अंतर है ना, 38, 40। तो 20वां पद क्या है सीरीज का, 40, और 420 क्या है, योग, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 40, क्या है ये इसका 20वां पद, क्लियर है ना। कर लेंगे इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग, क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन है फिर, 20th हम निकालना है इसमें भी, 3579। ओके, एक सीरीज है इसके बाद, इसमें भी दो क्वेश्चन है, 3 6, ओके 3579 -- फाइंड 20th टर्म। 20वां पद निकालना है ना कि सम, बार बार मैं चीजें बोल रहा हूं, 20वां पद निकालो, सॉल्व करो, 10 सेकेंड करिए, 20वां पद निकालो। हो गया, चलो कैसे करेंगे इसको, 20वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 3 प्लस कौन सा पद है 20वां, तो 20 में से एक क्या 19, डिफरेंस कितने का, 3 का, ठीक है ना। तो ये 3 हो गया, ये हो गया 1957, और ये 3, डिफरेंस कितने का, सॉरी 2 का है, ओके 2 का है, 2 का अंतर है 38, तो योग क्या हो जाएगा 41, तो आपका आंसर कितना हो गया 41, क्लियर हो गई चीजें। चलो इसके बाद क्वेश्चन करिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा रम जाए, है ना, 3 6 9 12, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, 20 पदों का योग ज्ञात करें, है ना, पदों का योग, 20 पदों का योग, इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, ये तो बेसिक हो गया अब, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, बहुत मजा आएगा क्वेश्चनों में। आ गया आंसर, क्या है आप लोग का आंसर, 630 राइट आंसर है इसका। चलो सम पूछा है, सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है ना फॉर्मूला सम का। n की वैल्यू कितनी है, 20वां पद की बात कर रहा, तो 20/2, अब कैलकुलेशन में 20/2 निकल सीधे 10 लिख दो, डिपेंड करता है कि पूरी स्टेप रिड्यूस कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा प्रैक्टिस आपकी हो गई है। डायरेक्ट आप 10 लिख सकते हो, 2 × 8, तो क्या करना है, 2 × a, a की वैल्यू 3 प्लस 20 - 1, 20वां पद, n की वैल्यू 20, 20 - 1 19, डिफरेंस कितने का, 3 का, कोई समस्या, ये हो गया 10, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 57, ओके तो ये हो गया 10, और ये अंदर वाली होगी वैल्यू 63, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 630 आपका आंसर हो गया। तो जितने जल्दी आप स्टेप रिड्यूस करें या आपके ऊपर करते मैटर, चीजें क्लियर है। चलो अब आ जाओ भाई कॉन्सेप्ट समझने पे,
कॉन्सेप्ट समझने पे। क्वेश्चन इसी तरीके से थोड़ी ना आएंगे कि भैया मजे मजा आएगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं आएगा। अब थोड़ा सा ना लेवल बढ़ा कर देगा भाई। अब पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के ऊपर। अब पहले समझ लो यार, ये स्केल होती है, जीरो होता है, इस साइड की सारी वैल्यू नेगेटिव होती है और इस साइड की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। जो एक स्केल होती है प्लस वन प्लस टू डैश 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 प्लस का इन्फिनिटी, इस साइड आओगे तो माइनस का वन माइनस का टू और क्या हो जाएगा माइनस का थ्री डैश 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 क्या हो जाएगा आपका माइनस का इन्फिनिटी। समझाने वाली बात है इसमें और यहाँ लोगों को दिक्कत जाती है। भाई साहब देखो क्वेश्चन बड़े उठपटांग आ जाते हैं कई बार। प्लस वन से लेकर जीरो को छोड़कर, प्राकृत संख्या में जीरो काउंट नहीं होता, जीरो को छोड़कर प्लस वन से लेकर अनंत तक की, प्लस वन से लेकर प्लस इन्फिनिटी की सारी वैल्यू क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। पहली चीज, पहले तो चीजें ना क्वेश्चन करने से पहले आपको चीजों को समझना पड़ेगा। प्राकृत संख्या, क्लियर, जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, क्लियर। उसके बाद देखो यार, कई बार क्वेश्चन आ गया है उसके हम डिस्कस करेंगे। जीरो के पहले इधर वाला प्लस और इधर वाला, ये पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी? इंटीजर। क्या कहलाएगी? इंटीजर मतलब पूर्णांक। क्या कहलाएगी? पूर्णांक। ये चीज समझ लेना यार, बात समझ में आ रही है? प्लस वन से लेकर प्लस इंफिनिटी तक की वैल्यू क्या है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। जीरो इंक्लूड हो जाएगा तो पूर्णांक होल नंबर। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की वैल्यू क्या कहलाएगी? पूर्णांक, इंटीजर, कंप्लीट नंबर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आ गया जीरो क्या है, जीरो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है या बोथ? तो दोनों है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव। कई बार क्वेश्चन पूछेगा पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या लिख सकते हो? नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव को एक दूसरी टर्म्स में क्या लिख सकते हो? नॉन नेगेटिव। मतलब समझा दे रहा हूं यहीं पर, है ना। पॉजिटिव को क्या लिख सकते हो? नॉन नेगेटिव। क्या लिख सकते हो? नॉन नेगेटिव। क्यों? नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव को देखो घुमाने के लिए लैंग्वेज बोल दिया उसने, नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या लिख सकते हो? नॉन नेगेटिव। क्यों? नेगेटिव नहीं है, मतलब क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव को क्या लिख कर देगा क्वेश्चन में? पॉजिटिव क्या लिखेगा? नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं है तो क्या है? पॉजिटिव। और भैया ये वाली वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव को क्या लिखेगा? नॉन पॉजिटिव। क्या नहीं है? पॉजिटिव नहीं है तो क्या है? नेगेटिव है, नॉन पॉजिटिव। भाई साहब आया हुआ क्वेश्चन है, जीरो क्या है? जीरो क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बोथ, बोथ है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, या फिर जीरो क्या है? नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव या बोथ। तो ना तो नॉन नेगेटिव है ना तो नॉन पॉजिटिव है। चीजें समझ में आ गई भाई? ये चीज होती है प्राकृत संख्या, लिख लेना, इसको लिखा दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट अच्छे से होना चाहिए भाई, एक बार डिटेल में चीजें होनी चाहिए। ऊपर ऊपर पढ़ लोगे भाई साहब, एक एग्जाम के लिए तैयारी का एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो 10 एग्जाम निकाल के बैठोगे भाई साहब, समझ लेना इस चीज को, ठीक है ना। एक बार अच्छे से तो पढ़ना पड़ेगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं प्लस वन से प्लस इंफिनिटी तक, है ना, प्लस वन टू प्लस इंफिनिटी, क्लियर। प्राकृत संख्या, इसके बाद होल नंबर, पूर्णांक, पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होते हैं? जीरो टू इंफिनिटी प्लस, ठीक है ना, इंटीजर, पूर्णांक मतलब
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारे नंबर क्या कराते हैं, पूर्णांक, कंप्लीट नंबर। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर होनी जरूरी है यार। क्वेश्चन आता है सीधे सीधे बोल कर आता है, होल संख्या 20 तक की होल संख्याओं का पूर्ण संख्या का औसत बताओ, और बच्चे को यही नहीं पता होता जीरो किस में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ठीक है ना। दिक्कत तो यही हो जाती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो पकड़ना सीख जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, लैंग्वेज समझना क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो मैटर करता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना यार। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें समांतर श्रेणी में, भाई कोई भी डिमोटिवेट है मोटिवेट होना है इस नंबर पे कॉल करें, एग्जाम रुक रही है, क्लियर नहीं हो रही चीजें, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। 8838 4331 01, हाँ, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, मैथ्स, लूसेंट, MPPSC, सारे सब्जेक्ट एक प्लेटफॉर्म में, ठीक है ना। तो आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। भाई नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी में, नेचुरल नंबर पहले समझना है उसके बाद सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन, प्राकृत संख्या, हमें एक योग पता है कि प्राकृत संख्याओं का योग, हमने क्या निकाल रहे थे अभी तक, n बाय टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके हम फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाएं, प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n, n प्लस 1 बाय टू, तो हम इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाएं जब हमको पता है कि डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है ना, बेस फॉर्मूला क्या है, ये है आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये है, इसी से सारे फॉर्मूले बने, क्लियर। बेस क्या है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसी से सारे फॉर्मूले बने, मैं बताता हूं। तो आपको प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, हम क्या पढ़ रहे हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का योग। वॉइस वगैरह क्लियर है ना, क्या होता है n, n प्लस 1 बाय 2, ये होता है प्राकृत संख्याओं का योग, क्लियर हो रहा है, दिख रहा है, ओके दिख रहा है, ओके जूम हो जाती है चीजें, ठीक है, क्वालिटी बढ़ाकर भी देख सकते हो आप आपके मोबाइल में, और जूम करके भी देख सकते हो, और कोई चीजें हैं तो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये बनता कैसे है, डेरिवेशन होता है, सम का फॉर्मूला क्या देखे हमने, टोटल बेस फॉर्मूला क्या, बेसिक फॉर्मूला क्या, बेसिक फॉर्मूला याद रख लेना, एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, भाई कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, ये कहीं याद रख लो, कोई समस्या नहीं है, ये होता है, ठीक। अब हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भैया नेचुरल नंबर के लिए, किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो नेचुरल नंबर की सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या की सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या प्लस 1 से स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या 1 से, 1 2 3, और योग की बात कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे, प्लस का साइन, तो ये होती है हमारी प्राकृत संख्या, कहां तक, इन्फिनिटी, क्या मान लिया मैंने इन्फिनिटी को, n, कहां तक, n तक। डेरिवेशन सॉल्व करा रहा हूं कि n, n प्लस 1 कहां से आया, 1 प्लस 2 प्लस 3, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है इन्फिनिटी तक, तो हमने क्या मान लिया, लास्ट वाली टर्म्स को n मान सकते हैं, ठीक है ना। चलो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, सम का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हम प्राकृत संख्या के, n की वैल्यू, लास्ट टर्म क्या है, n मतलब टोटल टर्म्स, टोटल संख्या कितनी है, n, टोटल संख्या कितनी है, n बाय 2, ओके 2 एज इट इज, a की वैल्यू, a बोले तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 प्लस टोटल टर्म्स कितनी है, n ही है, और n माइनस 1 ही रहेगा, डिफरेंस दो पदों के बीच के प्राकृत संख्या में हमेशा अंतर कितने का होता है, 1 का, इंटू 1 इंटू 1, क्लियर, n बाय 2, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 प्लस मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस 1 ही बचेगा ना, क्लियर। इसको मैं इधर डिस्क्राइब कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई, n बाय 2, प्लस का 2 या माइनस का 1 है, दो में से एक गया तो कितना बचेगा, 1 हो गया। फॉर्मूला देखो क्या होता है प्राकृत संख्या का, n, n प्लस 1 बाय 2, n, n प्लस 1 बाय 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना यार, कोई समस्या है क्या, नीचे दिखेगा कि नहीं, ओके दिख जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो n लिख सकता हूं, इसको आगे पीछे लिख सकता हूं ना, प्लस 1 है n प्लस 1, और इसको सबके नीचे में 2 लिख सकता हूं ना, कोई समस्या है क्या भाई, बन गया ना फॉर्मूला, देखो डेरिवेशन ऐसे ही बनेगा, n, n प्लस 1 बाय 2, क्लियर ना। तो आप इसको लिख लेना यार, क्योंकि जीवन में कब किस चीज की जरूरत, अच्छे से पढ़ जाकर, पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ो,
एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, लेवल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे से स्टार्ट कर रहे हो, तो भी कॉन्सेप्ट बना लेना दोस्त, क्यों? एक दो नंबर से रुकने का मतलब यह है कि भाई कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है ना? इतना अच्छा परफेक्शन लेकर आओ कि 10 एग्जाम निकालो, नंबर ऊपर से काउंट हो। मैं एक बच्चे की स्टोरी शेयर करूंगा, आई एम ऑल्सो मोटिवेशन स्पीकर, तो मैं आप लोग को बताऊंगा चीजें कैसे हम उसको कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना? ओवरऑल क्या है, एग्जाम लेने का मतलब है कि माइंड कैपेसिटी बढ़ानी है चीजों को। तो हम अब एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। क्या होता है, बाकी लोग क्या करते हैं, एक साथ पढ़ाते हैं, रैंडमली दे देते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, प्राकृत संख्या के हिसाब से कैसे सॉल्व करना है, सम संख्या के हिसाब से, विषम संख्या के हिसाब से क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन प्राकृत संख्या के ऊपर बेस्ड आ गया, तो भाई सम का फॉर्मूला याद कर लो तुरंत, एन एन प्लस वन बाय टू, बेसिक फॉर्मूला एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सम का फॉर्मूला प्राकृत का एन एन प्लस वन बाय टू, क्लियर? ओके।